गुड मॉर्निंग एट क्लास. दिस इज थर्ड चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक द ट्री मोर यूजफुल इन लाइफ. हमने इसमें सेकेंड चैप्टर जो है वो पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट. वो अभी पोएम हम नहीं करेंगे, हम फर्स्ट चैप्टर के बाद ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. आइडेंटिफाई स्टार्टअप में आपको क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सम ट्रीज एंड राइट देयर इन द बॉक्स. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पेड़ कौन सा है. ठीक है, और आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है कि कौन सा पेड़ है ये. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ट्रीज के बारे में. मोर यूजफुल इन लाइफ यानी हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी जो है ट्री का रोल है वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, ट्रीज आर वेरी यूजफुल एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ. सबको पता है कि ट्रीज जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं ट्रीज हमारी लाइफ में. दे आर वेरी एसेंशियल फॉर अस टू सर्वाइव और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपना सर्वाइवल रखना है या हमें सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है. ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि ट्रीज जो है वो ज़रूर ही ज़रूर लगे रहें. द लीव्स ऑफ द ट्रीज गिव आउट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन टू द एटमोसफेयर विच हेल्प इन कूलिंग ऑफ द एयर. क्या है कि ट्रीज की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा पानी, जैसे हम जब काम करते हैं या खाना खाते हैं जो भी करते हैं या खेलते हैं कूदते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, ऐसे ही ट्रीज में जो लीव्स होती हैं उनके शरीर से बहुत सारे वाटर वेपर निकलते हैं, यानी पानी मगर भाप के फॉर्म में. ठीक है, वाटर वेपर क्या होते हैं, पानी तो निकलता है मगर भाप के फॉर्म में, जैसे हमारे लिक्विड फॉर्म में निकलता है, इनका गैस फॉर्म में निकलता है. ठीक है, और इससे क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है वो ठंडा रहता है. ठीक है, अगर ट्रीज नहीं हुए तो लीव्स भी नहीं होंगी, यानी एनवायरनमेंट भी कूल नहीं होगा. इसीलिए पेड़ काटने की वजह से इतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है क्योंकि हम ट्रीज काट रहे हैं और लीव्स जो है वो वाटर वेपर एटमोसफेयर में नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमोसफेयर है वो कूल नहीं रह पा रहा है. दिस प्रोसीजर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन. किस प्रोसेस को, कि जब लीव्स जो हैं पत्तियां जो है पेड़ की वो अपने अपने लीव्स में से जो है सॉरी पत्तियां जो है ट्रीज की वो वाटर वेपर निकालती हैं एटमोसफेयर में, खुला छोड़ती हैं और उससे एनवायरनमेंट ठंडा रहता है. इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ठीक है, इट इज देयरफॉर कूलर अंडर द ट्रीज देन इनसाइड अ हाउस ड्यूरिंग हॉट डेज. और इसी कारण से जब भी आप किसी पेड़ के नीचे खड़े होते हो तो आपको ज्यादा ठंडा महसूस होता है बजाय अगर आप किसी घर में रह रहे हो. ठीक है, जब हम एसी चलाते हैं तब की बात नहीं, जैसे एसी कूलर चला लिया वैसे नॉर्मली घर का टेम्परेचर बढ़ा रहता है और अगर आप किसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े होते हैं तो वहां बहुत ठंडा रहता है इसी कारण से. ट्रीज मेंटेन अ बैलेंस इन आर एनवायरमेंट. ट्री जो है हमारे एनवायरमेंट में जो है एक बैलेंस बना के रखती हैं. ठीक है, द कूल फॉरेस्ट एयर हेल्प टू कॉज रेनफॉल और फॉरेस्ट की जो ठंडी हवा होती है इसी कारण से यही पुश करती है और इसी कारण से हमारे पास बारिश आती है. ठीक है, ट्रीज आर ऑफ वेरियस टाइप्स. अब ट्रीज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. ट्रीज जो है कई प्रकार के होते हैं, सम आर वेरी स्मॉल वाइल सम आर वेरी बिग. कुछ बहुत ही छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं. आपने अपने आसपास एनवायरमेंट में देखे होंगे, कोई छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, कोई घास है वो कितनी बड़ी हो जाएगी, छोटी मोटी रहती है. ठीक है, और कोई पेड़ है जैसे आपने जब लगाया, जैसे आम का पेड़ है जब लगाया था तो इतना छोटा सा था, वो बढ़ते बढ़ते कुछ 10 साल में 20 साल में वो इतना बड़ा हो गया है कि और इतना मजबूत हो गया कि उस पर खूब आम लगते हैं. ठीक है, तो हम अपने आसपास बहुत सारे टाइप के ट्रीज देखते हैं. ठीक है, या प्लांट्स बोल सकते हैं कि छोटे बड़े बहुत तरीके के प्लांट्स होते हैं. सम ऑफ देम गिव शेल्टर, कुछ शेल्टर दे सकते हैं. ठीक है, यानी कुछ तो होते हैं जो घने होते हैं वो शेल्टर दे सकते हैं, यानी अगर कोई पेड़ घना ही नहीं होगा तो आप उसके नीचे कैसे खड़े होगे. बट अ फ्यू ऑफ देम डज नॉट प्रोवाइड शेड, मगर कुछ जो है वो शेड यानी छांव प्रोवाइड नहीं करते. जैसे आपने कभी कोकोनट का पेड़ देखा है, कोकोनट का पेड़ कैसा होता है, ऐसा होता है इतना लंबा, बहुत लंबा, जैसे एक ग्राउंड है यहाँ तक बाकी पेड़ है, इतना लंबा होता है और फिर यहाँ पर कोकोनट लगते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं छोटी छोटी पत्ती होती है, तो क्या ये आपको छांव दे पाएगा? नहीं, एक तो वो लंबा इतना है. ठीक है, ऊपर से पत्तियां इतनी छोटी हैं तो छांव नहीं दे पाएगा. छांव कैसे पेड़ दे सकते हैं जो ऐसे घने होते हैं. ठीक है,
कुछ तो हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं, यानी एक खड़े होने की जगह, बैठने की जगह, ठीक है, मगर कुछ जो है वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। दे आर थॉर्नी, और उनको क्या, वो क्या होते हैं, थॉर्नी होते हैं, जो हमें शेड्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। वी ऑल्सो ऑब्टेन अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ट्रीज। अब छाँव के अलावा, शेड के अलावा, या कई कई आपने देखा होगा शेल्टर यानी घर सा बना लेते हैं पेड़ के नीचे, ठीक है, तो इस रहने के अलावा और छाँव देने के अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें जो पेड़ से लेते हैं। वी गेट वेराइटी ऑफ एडेबल फ्रॉम ट्रीज। एडेबल मतलब खाने पीने की चीजें हम लोग ट्रीज से लेते हैं, ठीक है, जैसे कोकोनट, ठीक है, आप क्या कहते हैं, ट्रीज से, प्लांट से बहुत सारी चीजें लेते हो, चाय, कॉफी, ये सब कुछ ट्रीज से आता है, कॉटन, ठीक है, और क्या कहते हैं, इतने सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हम लोग प्लांट से, ट्रीज से ही लेते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर आर मेड फ्रॉम वुड। अब जो फर्नीचर आप यूज करते हो, लकड़ी का फर्नीचर यूज कर रहे हो, तो लकड़ी किससे आ रही है, पेड़ से, तो यानी वो भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वी गेट फॉर्म नहीं आएगा यहाँ, फ्रॉम आएगा, FROM, ठीक है, फ्रॉम ट्रीज, जो हमें किससे मिलती है, ट्रीज से। वेरियस मेडिसिन, अब कुछ जड़ी बूटी होती है, कभी आप देखते हो वैद्य वगैरह के पास जाते हो, या डॉक्टर्स के पास नहीं, वैद्य वगैरह के पास, तो वो एक्चुअली में आपको जड़ी बूटी पीस के तब देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये अब मेडिसिन है, हर्ब्स हैं, ठीक है, हर्ब्स यानी जो मतलब जो बीमारी में आपके काम आती है वो सब हर्ब्स होती हैं, या फिर जो आपके खाने लायक होती है, आपके शरीर को ठीक रखती है, ये सब मेडिसिन, हर्ब्स वगैरह, ये सब हम ट्रीज से लेते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। कुछ जैसे फूल में मिलता है तो कुछ पत्तियों में मिलता है, कुछ स्टेम्प में मिलता है, किसी की स्टेम्प पीसी जाती है, किसी की पत्तियां पीस जाती है, किसी के रूट अच्छी होती है, जैसे कैरेट हो गया या फिर रेडिश हो गई, ये सब हमारे रूट्स में होते हैं। तो अलग अलग पार्ट के प्लांट को हम यूज करते हैं, किसी को खाने में, ठीक है, किसी को मेडिसिन में, किसी को अपना घर बनाने में, वुड बनाने में, तो हम प्लांट से बहुत ही ज्यादा तरीके की चीजें लेते हैं। Eucalyptus एंड सिंचोना आर सम ऑफ द ट्रीज फ्रॉम विच वी गेट वैल्यूएबल लाइफ सेविंग मेडिसिन। यानी ये दो एक ऐसे प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं जिन्हें आप कह सकते हो जिससे हमें लाइफ सेविंग यानी हमारी जान भी बचा सकती है, ऐसी मेडिसिन हम इनसे प्राप्त करते हैं। द ट्रीज ब्रीद आउट द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीद इज बिसाइड्स, ठीक है। अब क्या है, जो ट्रीज ब्रीथ आउट करती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन। क्या हो, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऐसे ट्रीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को है बाहर निकालते हैं, ठीक है। ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज ब्रीद आउट, सॉरी, ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन टू एटमोसफेयर, ठीक है। जैसे हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं अपनी बॉडी के, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, तो इसीलिए ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें दे देते हैं। Does it purify the air from which we take in oxygen that is vital for existence of life? और इसी तरीके से हम लोग एयर जो है वो साफ होती रहती है, और दूसरी बात हम उसमें से ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है वो हम अपनी बॉडी के लिए यूज कर लेते हैं। दीज आर स्टोर हाउस ऑफ थिंग्स यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। एक्चुअली में ट्रीज क्या है, एक स्टोर हाउस है। जैसे आपने घर में अपने कमरा बना रखा होगा जिसको, जिसमें आप ऐसा सामान रखते होगे कि ये तो बहुत दिनों में काम आएगा मगर काम आ सकता है, तो आपने वो सब स्टोर करके रख लिया। या आपके घर में कुछ कुछ बॉक्सेस बने होंगे जिसमें आप खाने पीने की चीजें कुछ स्टोर करके रखते हो कि अभी नहीं खाना, जब खाना होगा तब निकाल लेंगे। ऐसे ही ट्रीज जो है वो क्या है, ह्यूमन बींग के लिए एक स्टोर हाउस है, यानी एक स्टोर हाउस, एक स्टोर की तरह, एक ऐसे कमरे या डब्बे की तरह है जिसके पास सारा सामान है जो इंसानों को चाहिए, और जब भी हमें जरूरत होती है हम उसमें से निकाल लेते हैं। द ट्रीज हेल्प टू क्लीन आर एनवायरमेंट। अब ट्रीज हमारे एनवायरमेंट को भी क्लीन रखने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। द ट्रीज हेल्प टू मेक अ बैलेंस इन आर इकोसिस्टम, ठीक है। ट्रीज जो है इकोसिस्टम मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, या आप बोल सकते हो जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या चीज कब ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, यानी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करना, ठीक है, सर्दी गर्मी बरसात समय से होना, ये सब हमारे जो है इस बैलेंस बना के रखता है कौन, ट्रीज। अगर जैसे आप ट्रीज कटने लगे, अभी आपने देखा होगा गर्मी पड़ती थी तो बहुत ही पड़ने लगती थी, बारिश हो रही है तो फिर रुक नहीं रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है तो बहुत सालों तक सूखा पड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि हम ट्रीज बहुत ज्यादा काट रहे हैं तो पूरा सिस्टम जो है वो हिल गया है। वरना पहले क्या होता था, समय से बारिश, समय से, जब तक ट्रीज है समय से बारिश होती थी, समय से गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, हर एक चीज हो रही है, ठीक
ठीक है, अब आपने देखा होगा ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने होती है वो पिघल के समुद्र बन रही हैं, तो उससे हमें क्या नुकसान है? अगर वो सब पिघल के पानी बन जाएंगी तो पानी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा और सारी अर्थ को अपने अंदर डुबो देगा। Therefore, it is essential that 1/3 of our total land surface should have trees. और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितना भी हमारा लैंड है, हमें जितनी भी जमीन मिली है, उसका कम से कम एक तिहाई, अगर उस लैंड को तीन हिस्सों में बांटा जाए तो उसका कम से कम एक हिस्सा, जैसे मैं ऐसे बांट देती हूँ, तो इसका कम से कम एक हिस्सा जो है सारी लैंड का वो ट्रीज से घिरा होना चाहिए। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली इन आर कंट्री ओनली 21% ऑफ टोटल लैंड सरफेस इज कवर्ड। मगर हमारी कंट्री में क्या है, दुखद बात यह है कि सिर्फ 21% जो है लैंड जो है वही ट्रीज से कवर है। ठीक है, विच इज वेरी फार फ्रॉम डिजायर्ड लेवल रिक्वायर्ड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। जो जितना बैलेंस हमें चाहिए एक तिहाई से बहुत कम है 21%। ठीक है, एक तिहाई मतलब कम से कम 33% तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, अभी हम 21 पे ही हैं। ठीक है, तो ये जो बहुत ही ज्यादा कम है। अब इसके आगे बेटा, द ट्रीज हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब ट्रीज इसके आगे हमें क्या करते हैं, हमारी सॉइल को कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है ट्रीज के बारे में, आगे का पोर्शन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में खत्म करेंगे। तब तक आप इसको एक बार ही और रीड करेंगे, और जो भी हार्ड वर्ड्स होते हैं, जो मैं आपको वीडियो में मुश्किल वर्ड्स बता रही हूँ, आप अंडरलाइन करके उसको वहीं पर ही मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है, डिक्शनरीज में देख सकते हो, आपको डिक्शनरी देखना सिखाई हुई है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कि आपको डिक्शनरी में भी नहीं पता चल रहा और कैसे भी नहीं पता चल रहा, तो आप पूछो। ठीक है, और जो भी चैप्टर आपको रीड कराया जाता है, एटलीस्ट एक बार ही आप उसको घर में बैठ के दोबारा से अपने आप से खुद से रीड जरूर करो। ठीक है बेटा।